नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार राव फिर से आपको लेकर आया हूं आपके अपने चैनल सर्च प्रॉपर्टी पर। और आज मैं आपको एक नए और बहुत ही बेहतरीन यूनिक कॉन्सेप्ट पर लेकर आया हूं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये मेंटेबिलिटी सेट हो गई है, कड़ोदरा विस्तार जो है कहीं न कहीं पोल्यूटेड, लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है, मार्केट के अंदर अफरा तफरी मची हुई है कि कड़ोदरा विस्तार के अंदर पोल्यूटेड बहुत है, पोल्यूटेड पोल्यूशन बहुत है, वहाँ पे मिले इतनी है, वहाँ पे कारखाने इतने हैं। तो दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि आज हम आपके लिए कड़ोदरा विस्तार के अंदर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसको हम कह सकते हैं 100% ग्रीनफील्ड एरिया और 101% स्मार्ट प्रोजेक्ट। अब ग्रीनफील्ड बेल्ट एरिया क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था, ग्रीनफील्ड बेल्ट इट मींस ये होता है कि जिस प्रोजेक्ट के चारों तरफ हरियाली का माहौल हो और स्मार्ट प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से वायरलेस हो। तो आज हम बात करते हैं सर कड़ोदरा एरिया का एकमात्र प्रोजेक्ट जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जय अंबे रेसिडेंसी पार्ट 1। तो चलते हैं, पहले हम पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा हमारा सैंपल हाउस देखते हैं और बाकी की डिस्कस हम इसके बाद करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों कैसा लगा आपको पूरा वीडियो? आपने हमारा अभी सैंपल हाउस देखा जो आपने पूरा विजिट किया, इससे पहले भी जे एम्बे का एक वीडियो हम डाल चुके हैं, आपने काफ़ी बेहतरीन उसको रिस्पांस दिया है और काफ़ी अच्छे तरह से उसमें कमेंट भी आए, तो ये वीडियो आप पहले देख चुके हैं।
लेकिन आज मैं इस वीडियो में दिखाई गई सारी चीज़ें आपको पहले से पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे सिर्फ अपने पहनने के कपड़े और कुछ किराना का सामान लेके आना है, अदरवाइज सारी की सारी फैसिलिटीज़ जय अम्बे रेसिडेंसी पार्ट वन आपको सब कुछ करके दे रही है। जैसे इवन सारा का सारा फर्नीचर आ गया, टीवी आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, रेफ्रिजरेशन आ गया, और इवन आपके गैस से चूल्हे से लेकर बर्तन तक हम यहाँ से प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ न कुछ तो क्वालिटी में कहीं कहीं कंपैरिजन हमने किया होगा, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल, आपको मैं कह सकता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। हमने क्वालिटी के अंदर किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी जो हमारा इस्तेमाल हुआ है, जो चणतर के अंदर बांध काम के अंदर जो हमारा पानी यूज़ हुआ है वो मीठा पानी यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो ईंट का यूज़ हुआ है वो लाल ईंट का यूज़ हुआ है। और यदि आपको मेरी बात पे यहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट है तो मैं आपको लाइव जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाल ईंट में सारा का सारा कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरती वाली बात मैं आपको बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट से जो DMISI यानी कि दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर जो रोड बन रहा है, दिल्ली से कनेक्ट होता हुआ जो मुंबई को कनेक्टिविटी दे रहा है, जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की सुविधा को सीधा करने वाला है 12 घंटे में, और वो 12 घंटे का जो जंक्शन जो यहाँ पे पड़ रहा है, जो DMISI का जो जंक्शन यहाँ पे पड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पे हमारा जंक्शन आ रहा है। तो सबसे खूबसूरती वाली बात ये आपको मैं कह सकता हूँ, और इस प्रोजेक्ट की क्या मैं सर तारीफ करूँ, तारीफ़ काबिल प्रोजेक्ट है। एक बार आप ले या ना ले, इस प्रोजेक्ट को विजिट करने जरूर आएँ, और यदि आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए अथवा तो मिस कॉल कीजिए, आपको आपके घर से पिकअप एंड ड्रॉपिंग की सुविधा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। अदरवाइज आप किसी सिटी से आ रहे हैं, जैसे अहमदाबाद से आ रहे हैं, जैसे कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं मुंबई से आ रहे हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जहाँ से आपको एक रिटर्न अच्छा मिल जाए, तो सर मैं आपको कह सकता हूँ कि दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर के जितने भी राइट और लेफ्ट साइड में 2 किलोमीटर एरिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी हो रहा है, वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको ये हाईवे चालू हो जाने के बाद उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये हाईवे की यदि मैं बात करूं तो 2025 एंड तक मुझे जहां तक न्यूज़ मिली है वहां तक मैं बता रहा हूं आपको 2025 एंड तक ये हाईवे बन करके यहां पे रन चालू हो जाएगा। और इस हाईवे का ऑलमोस्ट वर्किंग जो है 75% फिनिश हो चुका है, महज 25% काम जैसा बाकी रहा है। और प्रॉपर्टी में आपका यदि इन्वेस्टमेंट है, जैसे कहीं लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन उनको कहाँ करना है, किस एरिया में करना चाहिए, कहाँ पर रेट का डेवलपमेंट आएगा, तो सर आपको ये पता नहीं होगा। लेकिन सर्च प्रॉपर्टी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह लगे, क्योंकि एक ब्रोकर जो होता है उसकी तो दिमाग में यही बात होती है कि मेरी जेब कैसे गर्म हो जाए, लेकिन सर्च प्रॉपर्टी की ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। सर्च प्रॉपर्टी ये चाहती है कि जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट उनके लिए रखा जाए, उनको दिया जाए, और उनके बजट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका बजट यदि 20 लाख रुपए है तो सर्च प्रॉपर्टी का यही दायरा रहेगा कि आपको 15 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ से निकाल के दें, आपको 18 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ से निकाल के दें, सर आपको 19 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ से निकाल के दें, जिससे ना तो आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो, ना आपको कभी EMI भरने में प्रॉब्लम हो। और सर सबसे बढ़िया बात मैं बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है इसका NA NOC टाइटल क्लियर, ये लोनेबल प्रोजेक्ट है, और लोन बैंक कब प्रोवाइड करती है, जब टाइटल क्लियर हो, किसी प्रकार का कोई लोन ना चलता हो, NOC बैंक के पास मिल जाए, तब जाकर के लोन होती है। ये बात मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आपके किसी दोस्त को जो कि कहीं ना कहीं 5,000-7,000 भाड़ा भर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी स्थिति नहीं है वो घर ले सके, तो उस व्यक्ति के लिए आप मददगार हो सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं कि वो इंसान खुद का एक अपना सपनों का घर ले सके। अरे रुकिए 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 रुकिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तो मैं आपको देना भूल ही गया। वो जानकारी ये है कि यहाँ से 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर इवन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 नहीं बल्कि 5 5 स्कूल आपके पास अवेलेबल है। जैसे हम बात करें सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया इंग्लिश मीडियम के स्कूल की यदि बात करें तो रायन इंटरनेशनल स्कूल यहाँ से महज
दो किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि बारडोली और कड़ोदरा हाईवे के ऊपर जो DMIC हाईवे निकला उसके एकदम नियर बाय में है। सेकेंडरी बात करें तो एना गांव के अंदर एना इंटरनेशनल स्कूल है, और एना गांव के बारे में सर मैं आपको क्या तारीफ करूं, पूरा गांव इनर आई है सर। उस गांव के सारे लोग विदेश चले गए, और उस गांव में एक बार आप विजिट करेंगे तो आपको रियल आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या होती है, लाइफ कैसे जी जाती है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।